गूगल मैप के भरोसे देखो मैं कहाँ आ गया। मंदिर काफ़ी अच्छा है, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। सो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सीखना चाहते हो, हारमोनियम, तबला, सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 10 out of 10। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। टुडे 28th September 2022, सो आई एम राइट नाउ इन माई होटल। सो मैं सुबह 5 बजे उठ के हर की पौड़ी पे गया था। वहाँ मैंने स्नान किया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ। सो मैंने वीडियो शूट नहीं करी, तो रिक्शा कर लिया था मैंने स्टेशन से। सो सुबह सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। देन उसके बाद मैं हर की पौड़ी पहुँचा, वहाँ मैंने स्नान किया, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत आ रहा था, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, आप देख सकते हो। देन मैं अभी आया हूँ हर की पौड़ी से नहा धो के। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रिप में ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहा हूँ, कुर्ता पजामा, वाइट कुर्ता पजामा एंड नेहरू जैकेट, मैरून कलर का है। लुक कुछ ऐसी है। सो कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा हूँ। सो आज का प्लान ये है, आज मैं जाऊँगा शांति कुंज, भारत माता टेम्पल और चंडी देवी टेम्पल एंड पवन धाम। ये 4-5 चीज़ें आज कवर करूँगा। सो अभी टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, धूप पूरी निकल आई है बाहर। बाकी सुबह सुबह काफ़ी मज़ा आया हर की पौड़ी पे स्नान करके। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा हर की पौड़ी पे सुबह सुबह स्नान ज़रूर करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सुबह सुबह ठंड भी हो रखी थी, टेम्परेचर 22 डिग्री था सुबह जब मैं गया था, बट नहा के मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गया था तो नॉर्मल हो गया था। बाकी काफ़ी मज़ा आया। सो अभी रेडी हो चुका हूँ मैं, अभी होटल से चेकआउट कर दूँगा, बैग वगैरह मैं अपने ही रख लूँगा, बाकी ट्रैवल करके फिर मैं अपने बैग यहाँ से वापस ले लूँगा। ये रहे मेरे दोनों बैग, ये तीसरा बैग, ये मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। बाकी रेडी हो चुका हूँ मैं, लेट्स गो। एंड एक और चीज़, ये मैंने गंगा जल भर लिया था हर की पौड़ी से। ये मुझे डब्बा 80 रुपये का पड़ा था वहाँ से, हर की पौड़ी के पास से, ये मैं घर से लेके आया था। सो ये दोनों मैंने डब्बे भर लिए हैं गंगा जल से, यही बताना था मैं आपको। सो आप हर की पौड़ी आ रहे हो तो गंगा जल जरूर लेके जाओ अपने घर पे। सो ठीक है, फिर नीचे मिलता हूँ मैं आपको। हाँ तो मैं नीचे आ चुका हूँ अपने होटल से, स्टेशन के पास पहुँच चुका हूँ। सो जो मैंने सामान था अपना क्लॉक रूम में रख दिया था, 2 बैग थे तो 100 रुपीज़ चार्ज लिया है, 50 रुपीज़ पर बैग लिया है। सो मैंने अपने दोनों बैग यहीं पर रख दिए, एक बैग ले लिया है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा भारत माता टेम्पल, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 1500 मीटर्स है यहाँ से। सो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। बाकी आप चाहो वॉक करके भी जा सकते हो, नहीं तो ऑटो वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, 1500 मीटर्स है स्टेशन से भारत माता टेम्पल। काफ़ी अच्छा टेम्पल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा वहाँ जाना ज़रूर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फिर भारत माता टेम्पल के बाद मैं जाऊँगा पवन धाम, पवन धाम के बाद जाऊँगा मैं शांति कुंज, बैंक चंडी देवी टेम्पल। ये 4 चीज़ें आज कवर करनी है। बाकी हरिद्वार काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू मनाली, अभी मैं मनाली होके आया था 1 हफ्ते पहले। बाकी 2 रास्ते हैं भारत माता टेम्पल जाने के, एक ये वाला भी है जो कि हर की पौड़ी को भी जाता है, और एक इधर से भी जा सकते हो आप, तो मैं इधर से जा रहा हूँ। सुबह सुबह इतना ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। बाकी ये सामने चौक पर देखो त्रिशूल कितना बढ़िया बनाया हुआ है, ये जो त्रिशूल बना हुआ है यहाँ से 2 रोड कटे हुए हैं, एक इधर साइड गया हुआ है, एक इधर साइड, इधर साइड वाले रूट पे जाना है, यहीं पे है भारत माता का टेंपल। मैं इधर से आया हूँ, यहीं साथ में पुल भी बना हुआ है, उसी के साथ में रास्ता गया हुआ है। देन मेरे को इधर जाना है स्ट्रेट, इधर साइड ही है भारत माता टेंपल। बस यहाँ से 500 मीटर और बचा हुआ भारत माता टेंपल, बस मैं पहुँचने वाला हूँ। गूगल मैप मेरे को गलत रास्ते पे ले आया, यहाँ से अभी 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ गूगल मैप दिखा रहा है यहीं पे डेस्टिनेशन है। सो गूगल मैप के भरोसे भी यहाँ मत रहना, गलत जगह ले आएगा। मैंने गलती करी, मैंने रास्ते में किसी से पूछा नहीं। सो अभी यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है भारत माता टेम्पल। सो देखता हूँ मैं अभी ऑटो वगैरह लूँगा यहाँ से, गूगल मैप के भरोसे देखो मैं कहाँ आ गया। तो रास्ते में पूछ भी लिया करो, मैंने ये गलती करी, मैंने पूछा नहीं यहाँ किसी से, रास्ते में पूछते हुए चला करो कि रास्ता सही जा रहा हूँ कि नहीं। मैंने पहली बार गलती करी, अभी मैं ATM ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है अभी, तो कैश लेके फिर मैं ऑटो लूँगा।
तो एटीएम से मैंने पैसे निकाल लिए हैं, अब मैं देखता हूँ ऑटो लूँगा यहाँ से, उसी चौक से जहाँ से मैंने जहाँ मैंने आपको रास्ता दिखाया था, उसी चौक से लूँगा ऑटो। उसी चौक पे आ गया मैं दोबारा से वापस, इधर साइड को ही जाना है वो पुल क्रॉस करके, सो मैं भी ऑटो का वेट करूँगा वहीं से। सो ऑटो मैंने ले लिया भारत माता टेम्पल के लिए, यहाँ चौक से 20 रुपये लग रहे हैं, सो भी वहीं जा रहा हूँ। मैं पहुंच चुका हूं भारत माता टेम्पल, ये मेरे पीछे है देख सकते हो आप, ये काफ़ी दूर है। गूगल मैप पे गलत दिखा रहा था, गूगल मैप के थ्रू तो मैं वो 1500 ही दिखा रहा था, बट ये कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर है मेन रेलवे स्टेशन से। तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, बाकी अच्छा है काफ़ी, आप यहाँ आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये टेम्पल। सो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ चार्ज है। मंदिर काफ़ी अच्छा है, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, सॉरी बट अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसमें आपको अंदर से नहीं दिखा सकता। बाकी ये टाइमिंग देख रखी है, आप देख सकते हो अंदर काफ़ी अच्छा टेंपल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जाओ आप। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैं इसलिए आपको अंदर से दिखा नहीं सका, बट आप खुद पर्सनल अपनी वीडियो और फ़ोटोज़ निकालना चाहो तो ले सकते हो, बट मेरे को यूट्यूब के लिए अलाउ नहीं किया, मैंने पूछा था पहले, परमिशन ली थी बट मेरे को परमिशन नहीं मिली। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ शांति कुंज, जो कि 1200 मीटर है यहाँ से भारत माता टेम्पल से, थोड़ी और आगे है। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा पवन धाम, देन पवन धाम से मैं जाऊँगा माँ चंडी देवी। सो अब मैं पूछ के जाऊँगा, अब मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, लोगों से रास्ता पता करता रहूँगा, गूगल मैप के थ्रू नहीं जाऊँगा। गूगल मैप में 1200 दिखा रहा है बट मैं पूछूँगा तब भी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन शांति कुंज। बाकी भारत माता टेम्पल काफ़ी अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ ज़रूर आना अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो। सो मैं सही रास्ते जा रहा हूँ, मैंने कंफर्म कर लिया अभी, बाकी गूगल मैप में भी यही दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है भारत माता टेम्पल से, 1200 मीटर है शांति कुंज। बाकी इस वाले एरिए में आपको साधु संत काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। सो जो एंट्री है शांति कुंज का, मैं पहुँच चुका हूँ शांति कुंज, गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं दे रहे हैं, गेट नंबर 3 से एंट्री मिलेगी, जो विज़िटर हैं जो अंदर के लोग हैं उनको मिल जा रही है गेट नंबर 1 से, बट मेरे को गेट नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। सो अगर आप भी घूमने आओगे तो आपको भी गेट नंबर 3 से ही एंट्री मिलेगी। सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर के करीब और होगा गेट नंबर 3, सो वहीं से एंट्री मिलेगी। बाकी व्यू यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा, आपको दिखा देता हूँ, ये सामने है शांति कुंज, बट ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 3 से एंट्री होगी, वो इधर साइड है। पहुंच चुका हूँ मैं शांति कुंज गेट नंबर 3, यहीं से होगी एंट्री, यहाँ शायद टिकट वगैरह मिल रही है। सो मैं मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ शांति कुंज के, ये मेरे पीछे शांति कुंज है, रजिस्ट्रेशन मैंने करवा ली है देख सकते हो आप। सो अगर आप 5 मेंबर हो फैमिली के तो एक जने को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, तभी आपकी एंट्री होगी, ये यहाँ का रूल है शांति कुंज का। ये पूरा शांति कुंज का कॉम्प्लेक्स है देख सकते हो आप। बाकी ये लोगों की रहने की जगह है देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। बाकी यहाँ जो भी एडमिशन लेता है, तो जो भी बच्चा यहाँ पढ़ाई वगैरह करता है सीखता है, उनके लिए एजुकेशन फ्री है, रहना फ्री है, खाना फ्री है, सब कुछ फ्री है, काफ़ी अच्छी जगह है शांति कुंज, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी पीसफुल जगह है। सो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सीखना चाहते हो, हारमोनियम तबला सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। सो अभी मैं एक म्यूजिशियन रूम में जाऊँगा, म्यूज़िक रूम में। शू निकाल के आपको अंदर जाना है, सो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, देख सकते हो सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है। भाई हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, बाकी सामने माँ सरस्वती, शिव जी और नीचे गणेश जी की मूर्ति है।
अभी मैं संगीत विभाग में बैठा हूँ। एक प्रभु जी मिले हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की विशेषता के बारे में। क्या नाम है प्रभु जी आपका? हमारा नाम है हेमंत सिंह। कहाँ से हो प्रभु जी आप? रहने वाले मध्य प्रदेश के। अच्छा, यहाँ कितने सालों से हो? यहाँ हमको 4-5 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? यहाँ पे तबला सिखाई जाती है, हारमोनियम सिखाई जाती है, डफली सिखाई जाती है। अच्छा, हाँ। सो यहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री है? निःशुल्क। निःशुल्क है? हाँ। मेनली आपको यहाँ सेवा करनी है? केवल आपको समय अपना दे के भगवान की सेवा करनी है, मिशन का काम करनी है। अच्छा, आपको बस यही रहना है, सेवा देना है, अपना मिशन का काम, भगवान का काम करते रहिए। स्थापना कब हुई थी इसकी, शांति कुंज की? शांति कुंज की स्थापना तो करीब से करीब धीरे धीरे 100 स्थान बिछने मतलब होने वाला है। अच्छा, या 1926 आ जाएगा ना? अच्छा, तो ये 2026 तो 100 साल करीब से हो जाएगा। चलो बढ़िया है प्रभु जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो काफ़ी अच्छी जगह है शांति कुंज, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुकून मिलेगा यहाँ पे आके। अभी मैंने बात की एक प्रभु जी के साथ जो संगीत सीखते हैं यहाँ पे, MP से थे। अभी मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे एक यज्ञशाला भी है। सो अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, यज्ञशाला की तरफ। बाकी दिनचर्या लिखी है शांति कुंज की, देख सकते हो आप बोर्ड पे। बाकी यज्ञशाला है, देख सकते हो आप। ये समाधि है, उधर समाधि स्थल था, मैंने अभी आपको दिखाई दिया। बाकी लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ शांति ज़रूरी है, इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा बोला नहीं कुछ। सो मैं गायत्री मंत्र आ चुका हूँ, गायत्री मंदिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी शांति है। बाकी ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत है। इधर शूज़ निकालने के लिए बना हुआ है, शूज़ वगैरह यहाँ निकाल सकते हो। बाकी इधर साइड पीने का पानी भी है, और इधर साइड मंदिर है। ये रहा मेरे सामने गायत्री मंदिर। अखंड दीप दर्शन की जगह जा रहा हूँ मैं अब, जहाँ बहुत सालों से अखंड ज्योति चल रही है। यहीं गायत्री मंदिर के अंदर ही है, किसी से भी रास्ता पूछो कोई बता देगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इधर से रास्ता, सो मैं लंगर हॉल आ गया हूँ, यहाँ पे लंगर करते हैं, देन और देखेंगे क्या चीज़ें हैं। सो लंगर तो ख़त्म हो चुका है, बाकी साथ में लंगर हॉल के ही रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ से कुछ खा लूँगा अभी मैं। पहले पर्ची कटवानी पड़ेगी वहाँ पे, देन वहाँ इनको देना पड़ेगा, फिर ये देंगे खाने के लिए। बाकी इधर साइड लंगर हॉल है, इसके पीछे लंगर ख़त्म हो चुका है, मैं लेट हो गया थोड़ा। ये मैंने करवा लिया, टोटल बिल आया मेरा 38 का। 2 कचौरियाँ करवाई है, 1 अमूल का दूध करवा लिया। सो ये पर्ची इनको देनी पड़ेगी, ये फिर देंगे। ये आ गया मेरा खाना, 2 कचौड़ियाँ, चटनी, साथ में अमूल। लंगर हॉल के सामने ही यहाँ पे भी है टेंपल, तो यहाँ पे अभी आया हूँ मैं। फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ करके आपको मंदिर के अंदर जाना है। अंदर वीडियोग्राफी लाओ नहीं थी, तो मैं अंदर दिखा नहीं सका आपको। यहाँ पे तो ज़रूर आना, आपको काफ़ी शांति मिलेगी। यहाँ मैं आधे घंटे तक था अंदर, काफ़ी अंदर शांति है, अंदर लोग चैंटिंग कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर मैं भी गया था, ये आर्ट गैलरी टाइप है, आर्ट गैलरी बना रखी है। अंदर वीडियोग्राफी लाओ नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। काफ़ी अच्छा है, आपको आना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने एग्ज़िट ले लिया शांति कुंज से, लगभग 1.5-2 घंटे था मैं अंदर, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकूनियत मिली। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो रहना भी फ्री में मिलेगा आपको, खाना भी फ्री में मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। आज तक मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं आया, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ अपनी लाइफ में शांति कुंज। मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 10 out of 10, इतनी अच्छी जगह है, इतनी पीसफुल जगह है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स आएंगी, काफ़ी शांति है यहाँ पर।
आपको कहीं भी शोर शराबा नहीं मिलेगा, चारों तरफ शांति शांति है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पवन धाम। पवन धाम यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर है शांति कुंज से। सो अभी देखता हूँ ऑटो वगैरह या ई रिक्शा कुछ करूँगा यहाँ से।